हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टुडेज टेक न्यूज़। मैं लोकेश पंसारिया स्वागत करता हूँ आपका आज के टेक न्यूज़ में। चलिए टेक न्यूज़ को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी टेक न्यूज़। हमारी फर्स्ट अपडेट आती है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने अपने चैट बॉक्स में ऐड कर दिया है CVO-19 की ऑफिशियल डिटेल्स, यानी कि हम चैट बॉक्स के द्वारा हम CVO-19 यानी कोरोना वायरस की एक ऑफिशियल जानकारी चैट बॉक्स में ले सकते हैं। हमारी सेकंड अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप भी अपने एक ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है, व्हाट्सएप मल्टी डिवाइसेस के ऊपर, जिससे क्या है एक ही नंबर से हम दो व्हाट्सएप चला सकते हैं दो अलग अलग डिवाइस में। क्या होता है, कुछ लोग अपने व्हाट्सएप टेबलेट में चलाते हैं, कुछ लोग फ़ोन में चलाते हैं और कुछ लोग दोनों में चलाते हैं। अब व्हाट्सएप एक अपनी तरफ से छठी ऐप दे सकता है दोनों को चलाने के लिए। हमारी अगली तीसरी न्यूज़ आती है, गुजरात में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए कि जो लोग गुजरात में बाहर है उनका पता कर सकता है गुजरात में, ये ऐप लॉन्च किया गया है। और हमारी फोर्थ अपडेट आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी अपने नार्जो सीरीज़ में एक नया फ़ोन लॉन्च कर सकती है जो गेमिंग फ़ोन होगा। देखते हैं ये कब आता है और कैसे आता है। ये हो सकता है अभी मार्च में देखने को, अप्रैल और मई में देखने को मिल सकता है। हमारी अब पाँचवीं अपडेट की बात करें तो पाँचवीं अपडेट आती है COD यानी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने अपना नया अपडेट दे दिया है जिसमें वे अपने वो ज़ोंबी मोड को हटा चुके हैं और भी बहुत सारे फीचर दिए हैं। और अगली हमारी न्यूज़ आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अपने VR को सर्टिफाइड किया है, वो एप्पल के VR हमें देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं। एक और न्यूज़ एप्पल की तरफ से आती है। हमारी सातवीं न्यूज़ भी एप्पल की तरफ से। एप्पल की वॉच में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। देखते हैं कब तक होता है जब हमें एप्पल अपने वॉच में फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकता है पावर बटन की तरफ। अगली खबर आती है रेडमी की तरफ से। रेडमी नोट नाइन की एक लीक आई है कि ये हीलियो G80 प्रोसेसर के ऊपर हो सकता है। देखते हैं ये इंडिया के मार्केट में कब तक देखने को मिलता है हमें। और हमारी टेक न्यूज़ की लास्ट अपडेट आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी X3 Pro हमें बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है। देखते हैं ये इंडिया में कब तक देखने को मिलता है। ये हो सकता है 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ हो सकता है। देखते हैं कब तक आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मुझे विश्वास है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए होगा। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।